हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, तो अब अष्टमी और नवमी आ गई और हमने कन्या पूजन करना है। तो उसमें आपको पता है कन्या पूजन में तो हमारे यहाँ सबसे पहले शुभ माना जाता है सूजी का हलवा, पूड़ी और काले छोले सूखे। तो इसीलिए मैं आज आपको बताने लगी हूँ सूजी का हलवा, जो आप अष्टमी और नवमी के दिन, आपको तो किसी के अष्टमी वाले दिन होती है कन्या पूजन, किसी के नवमी वाले दिन। तो आइए हम हलवा बनाते हैं। इसके लिए मैंने देखिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने एक छोटी कटोरी सूजी का लिया हुआ है और महीन वाली सूजी लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मोटी वाली है तो उसको आप पीस सकते हैं मिक्सी में। मैंने चार छोटी इलायची पीस के रखी हुई है, मैंने छिलके भी डाले हुए हैं साथ में। थोड़े से किशमिश लिए, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते। ये थोड़े से काजू और बादाम मैंने काटे हुए हैं महीन महीन। आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं या ऐसे ही हलवा बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप डालें या नहीं। और थोड़ा सा केसर मेरे पास पड़ा हुआ तो मैंने ये भी भिगो दिया है। और जितनी सूजी उतनी चीनी, आपको रेशियो जितना भी आप क्वांटिटी में बनाएंगे और अराउंड उतना ही देसी घी पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने करना क्या है, मैं ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अराउंड। मैंने देखिए ऑयल पूरा डाल लेती हूँ, 2 टेबलस्पून अराउंड मैं डालूंगी, क्योंकि एक कटोरी सूजी है अराउंड। अगर लगा घी की जरूरत और तो मैं और डालूंगी। आज सबसे पहले ये मैं ड्राई फ्रूट जरा सा, ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, मैं ये ड्राई फ्रूट इसको हल्का सा फ्राई करके ये मैं निकाल लूंगी। किशमिश मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। आपको पता है सूजी का हलवा हम इंडिया में तो वैसे भी सबसे शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो सेम डे सब लोग घर में सूजी का हलवा बनाना पसंद करते हैं। घर में शादी हो के नई बहू आती है तो उससे पहले ही शगुन के तौर पे सूजी का हलवा बनवाया जाता है। तो ये वैसे ही इतना अच्छा शुभ माना जाता है हमारे इंडिया में, और नवरात्रि में तो वैसे भी ये सारा प्रसाद के रूप में बनाते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा ये फ्राई हो गए। कई लोग ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल सूखा बनाते हैं अल्ला नॉर्मल, तो जैसा आप बनाते हैं, बाकी ये सब चीजें तो ऑप्शनल है। देखिए इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर ले रहे हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने स्लो फ्लेम पे किया हुआ था, ये हमारे हो गए। ये देखिए हल्के पिंक पिंक हो गए हैं हल्के से, मैं इस फ्लेम पे इनको निकाल लूंगी सारे ड्राई फ्रूट को। और उसके बाद हम किशमिश इसके बाद डाल के हल्का सा करेंगे बिल्कुल। ये देखिए हमारे बिल्कुल ब्राउन ज़्यादा नहीं करना है इनको। देखिए ये थोड़ा किशमिश थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि किशमिश तुरंत फूल के। अब ये ध्यान रखिएगा ये स्लो फ्लेम पे करना है। बस किशमिश हो गए हल्का सा करके, अब किशमिश हम फटाफट निकाल लेंगे, बिल्कुल जले ना किशमिश। ये देखिए इसीलिए किशमिश हम बाद में डालते हैं, काजू बादाम को थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हो गए, अब हमने इसको साइड में रख देंगे और इसको बाद में डालना। अब हम इसी ऑयल में अब हम सबसे पहले डालेंगे ये सूजी, स्लो फ्लेम पे रखना है आपको बिल्कुल, और हल्का हल्का हिलाते रहना है। हल्का हल्का भूनना है इसको, 5 से 6 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और हल्का हल्का जब पिंक हो जाएगा तो थोड़ा सा स्लो से मीडियम फ्लेम पे करेंगे इसको। ये देखिए मैं इसको भून लेती हूँ। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, ये बिल्कुल नीचे लगे ना, नीचे से सूजी बहुत जल्दी अगर लग गई तो काली हो जाती है, सारे हलवे का टेस्ट भी खराब कर देगी और इसका कलर भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखिए 5 से 6 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे इसको भूना था। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन सा कह लें आप या पिंकिश सा। अब इस पे हम, मैं आपको बता रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ मैं इसमें। ये देखिए मैं बेसन लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून बेसन लिया है।
इससे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे का, और इसका टेक्सचर भी बहुत ही, मतलब टेस्ट में ही फर्क पड़ जाता है। तो आप जितना, आप जैसे एक छोटी कटोरी में मैंने एक टेबल स्पून बेसन डालती हूँ, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो दो कटोरी लेंगे तो दो टेबल स्पून बेसन डाल दीजिएगा इसमें। ये देखिए, अब बस मैंने एक मिनट इसको बेसन के साथ भूना है, क्योंकि कच्चा पन ना रहे, सूजी में कच्चा पन रहा या बेसन में कच्चा पन रहा तो हलवे का टेस्ट उठ के नहीं आता है। और इसका एक कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होती है इसकी, कि कैसे आ रहा है। और रेशियो आपको मैंने बता दिया, जितनी सूजी उतनी चीनी और उतना ही घी डलेगा इसमें, तो ये रेशियो लगभग इतना ही होगा। शुगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, कम खाते हैं, तो आप कम कर सकते हैं। देखिए हमारा बेसन भुन गया इस टाइम पे। अब हमने पानी का रेशियो तो मैंने आपको बताया नहीं, अब इस टाइम पे ये भुन गया है तो हमने ये डालना है। देखिए ये रखी हुई थी छोटी इलायची, इसको मैंने छिलके भी डालती हूँ मैं, तो इससे भी अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो छिलके हटा के केवल, अब ये देखिए मेरी सूजी बिल्कुल परफेक्ट भुन गई है, स्लो फ्लेम पे है अब इस टाइम पे। अब मेरे को पानी डालना है तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे डालेंगे और पानी एक साथ डालेंगे, क्योंकि ये उछलता है, ये एकदम सूजी गर्म सूजी में हम डालेंगे। ये देखिए 1:4 के रेशियो से डालना है। मैंने एक कटोरी सूजी थी, एक कटोरी चीनी थी, एक कटोरी घी था और 4 कटोरी हमारे सूजी डलेगी। देखिए इसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया था, अब अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसको थोड़ा सा हमें पकाना है। इस टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे ये शुगर, चीनी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से हमने करना स्लो फ्लेम पे ही है, स्लो टू मीडियम पे इसको पकाना है अच्छे से। जैसे जैसे ये शुगर इसमें घुलती जाएगी, इसके कलर में भी देखिएगा आप और बहुत फर्क आता जाएगा। ये देखिए इसको अच्छे से हमने 5 से 6 मिनट अभी इसको अच्छे से उबाला दिलाना है, जिससे सूजी फूलेगी अभी और इसका पानी की अपने आप को पानी में एब्जॉर्ब, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने में। अभी आप देखिएगा अभी ये बिल्कुल गीला गीला हो रहा है, बिल्कुल अपना परफेक्ट कंसिस्टेंसी ले लेगा 5 से 6 मिनट में हलवा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही इसने अपना बिल्कुल परफेक्ट सूजी फूल गई है। अब इस टाइम पे हमने ये जो केसर था ये हम डाल देंगे इसमें। केसर भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा। ये देखिए बिल्कुल, देखिए तैयार होने वाला है बिल्कुल हलवा अब हमारा। इसको हमने कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। किसी के अष्टमी में कन्या का पूजन होता है, किसी में नवमी में होता है, तो हमारे यहाँ तो अष्टमी वाले दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं। आप क्या किस दिन करते हैं आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए हमारा हलवा लगभग बस होने चला है। अब इस टाइम पे हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे हुए थे ये हम डाल देंगे। इसे 2 मिनट का टाइम लगेगा, ये मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ इसको और कंटिन्यूसली इसको हिलाती रह रही हूँ। परफेक्ट हलवा फटाफट तैयार हो गया। और आपने कितनी क्वांटिटी में बनाना है इसी रेशियो से आप बढ़ाती जाइए। मैंने एक छोटी कटोरी ली थी, आपको ज्यादा बनाना है, कन्या पूजन करना है तो आपने कन्याओं को खिलाना है तो ज्यादा बनाना होगा, तो आप इसका, क्योंकि आप ऐसा छोटा थोड़ा पूड़ी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हलवा रखते हैं, ज़्यादा हलवा हमें नहीं चाहिए होता है, तो आप 1-2 कटोरी भी हलवा बना लेंगे आपका तो आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत हो जाएगा। जितना बनाना है इसी रेशियो के हिसाब से आप इसको क्वांटिटी उसी हिसाब से कर लीजिएगा। 1 मिनट हम और करते हैं और हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया खाने के, सर्व करने के लिए या पूजा के लिए मैं कहूँगी बेसिकली। तो अभी हम इसको डाल देते हैं
और उसके बाद इसमें साथ में छोले बनेंगे और साथ में पूरी बनेगी और माता रानी का कंचकों का प्रसाद हो जाएगा हमारा। आइए मैं इसको लगा देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है बिल्कुल पूजा के लिए, कंचकों के लिए। और आप इसको बनाइए, बताइए कैसा लगा। और अब आ ही गया है, एक दो दिन में नवरात्रे हैं, कंचके पूजनी है, तो इसको आप बनाइए, बताइए कैसा लगा। और आपको मेरे वीडियोस भी कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवमी, जय माता दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।